खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां कन्या महाविद्यालय की मांग को लेकर एनएसयूआई अब आंदोलन करने के लिए तैयार हो रहा है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन टीआरएस कॉलेज इकाई अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि उनके द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि रीवा में कन्या महाविद्यालय खोला जाए, क्योंकि छात्राओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। गरीब परिवार के लोग अपनी बेटियों को प्राइवेट महाविद्यालय की महंगी पढ़ाई नहीं करा सकते, जिससे कई छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने से वंचित हो रही हैं। विगत दिनों जब एनएसयूआई के द्वारा कन्या महाविद्यालय की मांग की तो कुछ नेता शांत मुद्रा में हो गए और प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष ने जो कन्या महाविद्यालय के स्थान पर विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा कर दी, लेकिन यह भी घोषणा भाजपा की अन्य घोषणाओं जैसी हो गई है। अगर शीघ्र ही महाविद्यालय की मांग पूरी नहीं की जाती है तो एनएसयूआई बड़ा आंदोलन करेगा। आइए आपको सुनाते हैं आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान क्या मांग की गई है। संगठन के छात्र नेता और छात्र नेती, हम लोग विगत कई वर्षों से, लगभग 2 वर्षों से हम लोग एक कन्या महाविद्यालय की मांग कर रहे हैं। जब यहाँ पे कमलनाथ जी की सरकार थी तब उच्च शिक्षा मंत्री हुआ करते थे हमारे यहाँ जीतू पटवारी जी, उन्होंने हम लोगों की मांग पर ही एक कन्या महाविद्यालय खोलने की बात कही थी। गंगा कछार की जमीन उस समय खाली पड़ी हुई थी, वहां पे कन्या महाविद्यालय देने की बात कही गई थी। वर्तमान में भाजपा की सरकार है जो कहते हैं विकास के नाम पर ताली बजवाने का काम करते हैं और कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे 8-8 विधायक हैं भाजपा के और 1 सांसद जी हैं और यहाँ तक की रीवा विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। हमारी इनसे 2 सालों से मांग कर रहे हैं, यहाँ तक की कॉलेजों में हम लोग हस्ताक्षर अभियान करा चुके हैं, 1 वर्ष पहले संभागीय कार्यालय का घेराव भी कर चुके हैं एक कन्या महाविद्यालय की मांग को लेकर। जो झूठी ताली बजवाते हैं विकास के नाम पर, मैं पूछना चाहता हूँ आप अपने कार्यकाल में कितने विद्यालय महाविद्यालय रीवा शहर को दिया है आपने? जो भी पुराने विद्यालय महाविद्यालय बने हैं उसमें अभी सीएम राइज स्कूल घोषित की गई है एक कन्या महाविद्यालय को बंद करके। हम लोगों की मांगे ये है, एनएसयूआई लगातार आंदोलन कर रही है, लगातार मांग कर रही है कि एक कन्या महाविद्यालय और जरूरी है। एडमिशन के समय इतनी ज्यादा समस्या होती है, लास्ट में फिर छात्राओं को प्राइवेट कॉलेजों में जाना पड़ता है। प्राइवेट कॉलेज में कुछ ऐसे सामान्य वर्ग के परिवार हैं जो कि सामान्य परिवार से आते हैं, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के स्थिति में नहीं होते। कई छात्र छात्राएं ऐसी रह जाती हैं जो एडमिशन से वंचित रह जाते हैं। तो यहाँ पे जिस हिसाब से जनसंख्या लगातार बढ़ रही है छात्र छात्राओं की और एडमिशन की मारामारी होती है, हम लोग एडमिशन के समय हमेशा आंदोलन करते हैं एडमिशन के लिए, उसके बाद भी कई छात्र छात्राएं वंचित रह जाते हैं। तो हम लोग लगातार इसमें आंदोलन कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं। अभी विगत दिनों विधानसभा अध्यक्ष जी ने एक बयान जारी किया था, उसमें कहा था कि कन्या महाविद्यालय नहीं हम विश्वविद्यालय देंगे। तो आप कन्या विश्वविद्यालय की तो बात छोड़ दीजिए, आप एक विद्यालय नहीं दे पाए अभी तक, महाविद्यालय ही दे दीजिए आप कम से कम। जो सरकारी जमीनें पड़ी हैं, गंगा कछार की पड़ी थी, उस समय हम लोगों ने कई बार मांग की, कोई भी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं। यहाँ का प्रतिनिधि मौन बैठा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ झूठे विकास के नाम पर ताली बजवाने का मौका ढूंढते हैं और सोशल मीडिया और मीडिया में आके वादा करते हैं बस। उसके बाद छात्र छात्राएं परेशान होते रहे, उनसे कोई मतलब नहीं रहता। हमारी मांग है विधानसभा अध्यक्ष जी से और विधायक राजेंद्र शुक्ला जी से, स्पष्ट रूप से मांग कर रहे हैं छात्र नेता, अब अगर हम लोगों की मांग पर कोई भी एक्शन नहीं होता है तो हम पूरे विद्यालय के और महाविद्यालय के छात्र और छात्र नेतियों के साथ हम लोग बृहद आंदोलन भी करेंगे। अभी हम लोग शांतिपूर्वक आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप मुखबधिर बन के मत बैठिए, सामने आइए और छात्राओं की जो आप बात करते हैं कि हम छात्राओं के हित में, मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कि हम मामा हैं बेटियों के, तो आप बेटियों के हित में निर्णय लीजिए और एक कन्या महाविद्यालय दीजिए। रीवा शहर में कन्या महाविद्यालय की बहुत ही आवश्यकता है, जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है तो रीवा जिले में एक कन्या महाविद्यालय जरूरी है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला जी, आपसे मैं निवेदन करता हूं कि हम लोगों की मांग पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, अन्यथा हम लोग सभी स्टूडेंटों को लेके बड़ा आंदोलन करेंगे। अभी हम लोग सभी कॉलेजों में हस्ताक्षर अभियान चला चुके हैं, अब अगला हम लोगों का स्टेप होगा गली मोहल्लों और सभी विद्यालय में जाकर सभी छात्रों से हम समर्थन मांगेंगे। उसके बाद इन्हीं सभी छात्र नेती और छात्र नेताओं के साथ
हम बृहद आंदोलन, यहाँ तक कि कलेक्ट्रेट घिराव की जरूरत पड़ी, यहाँ तक कि विधानसभा अध्यक्ष जी की घिराव आवास की घिराव की जरूरत पड़ी, यहाँ तक कि विधायक जी की आवास की घिराव की आवश्यकता पड़ी, तो हम करेंगे क्योंकि